आप जीत गए, मैं हार गया, लेकिन मेरी गलतियों की सजा आप उन्हें मत दीजिए। ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं यहां एक और आचार्यन बनाने नहीं आया था, मैं यहां इसलिए आया था कि फिर से कोई आचार्यन ना बन जाए। उन्हें माफ कर दीजिए, आपकी जंग मेरे साथ है, मैं आपके सामने हूं, झुका हुआ आ रहा हूं। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, बस आप उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। आप जीत गए, मैं हार गया। मैं चाहता हूं कि कल सुबह आप सारे स्टूडेंट्स के सामने आए और उनसे कहें कि आज तक आपने उन्हें जो कुछ कहा, उन्हें जो कुछ सिखाया, वो सब एक झूठ था, एक धोखा था। मैं चाहता हूं कि आप उनसे कहें कि आप प्यार मोहब्बत में विश्वास नहीं रखते और ना ही उसे मानते हैं, कि आप खुद उसे एक मजाक समझते हैं। फिर हाथ जोड़कर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए उनसे माफी मांगे और चुपचाप मुड़कर गुरुकुल के गेट के बाहर निकल जाएं और इतनी दूर चले जाएं कि जाने पर भी आपको वापस आने का रास्ता न मिले। आप जा सकते हैं। मैंने आपसे कहा था मिस्टर आर्यन कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं जीत जाऊंगा मिस्टर आर्यन। मैंने आपसे कहा था। माफ कीजिएगा सर, पर जहां से मैं देख रहा हूं आप हार गए, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं मुझे एक 55 साल का बाप एक 19 साल की बेटी की फूल चढ़ी तस्वीर के नीचे खड़ा दिख रहा है। आप तब भी हारे थे और आप आज भी हारे हैं। आपने कभी सोचा मिस्टर शंकर कि मैं गुरुकुल वापस क्यों आया? किसके लिए? जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये विकी, समीर, करण कौन है मेरे? मैं तो इनको जानता भी नहीं था। मैं तो यहां पर किसी को भी नहीं जानता था। मैं वापस आया था आपके लिए मिस्टर शंकर। मैं वापस आया था उस बाप के लिए जिसकी बेटी से मैं मोहब्बत करता हूं। मैं यहां इसलिए आया था क्योंकि वो हमेशा कहा करती थी कि मेरे पापा बहुत प्यारे हैं, ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से बहुत नरम। बस मैं वो सख्ती तोड़ने आया था। पता है मिस्टर शंकर, मेरे पास मेघा की कोई तस्वीर नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जहां पर भी मोहब्बत होती मुझे वहां मेघा दिखती। और मैं सोचता था कि अगर मैं आपके सामने एक भी मोहब्बत पूरी कर दूं, एक भी, तो आपको भी मेघा दिखाई दे जाएगी और आप देखेंगे कि वो कितनी खुश है
तो शायद आपका दर्द कम हो जाएगा। मैं आपका दर्द बांटने आया था मिस्टर शंकर, आपको मोहब्बत दिखाने मैं आया था, क्योंकि मैं एक बात समझ चुका था कि मेघा आपके बिना अधूरी है, लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मेघा मेरे बिना भी अधूरी है। हम दोनों का साथ ही उसे पूरा कर सकता है, और मैं वो पूरा करने आया था जो आप उसके जीते जी पूरा नहीं कर सके। मैं मेघा को पूरा करने आया था, अब जिंदगी की हर जंग जीतते चले आए और जिंदगी के सारे सहारे हारते चले गए। तब आप एक बेटी हारे थे, आज आप एक बेटा हारे। माफ कीजिएगा सर, पर जहां से मैं देख रहा हूं क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं मुझे एक सिद्धी बदनसीब इंसान दिख रहा है जो खड़ा है पीट करके उन दो लोगों की तरह जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।